कहते हैं जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कोई हताश होकर हार जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिप्रा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉसिट जर्नल के हिंदी चैनल लॉसिट भारत की खास पेशकश द लेजेंडरी लॉयर। और आज की कहानी एक ऐसे लॉयर की जो न सिर्फ एक लेजेंडरी लॉयर है बल्कि जिंदा दिल, चमकदार और खूबसूरत शख्सियत का मालिक भी है। सिद्धार्थ लूथरा, देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर, उनकी कहानी उन्हीं की जुबान में। सर, विरासत को बनाने में जितनी कड़ी मेहनत लगती है, जितनी लगन लगती है एक विरासत को खड़ा करने के लिए, उस विरासत को संभालने में, उसकी चमक को बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये जो सफ़र आपने अपने पिता के नाम की चमक को आज तक बरकरार रखा है और ये सफ़र आगे भी चला जा रहा है, इसकी शुरुआत के बारे में कुछ बताएं। हर वकील या हर डॉक्टर को दो विरासतें मिलती हैं। एक विरासत तो जो अपने माता पिता से मिलती है और दूसरी विरासत जो अपने गुरु से मिलती है। दोनों विरासतें आदमी को संभालनी पड़ती हैं और जब तक इनको पनपाने की के लिए मेहनत नहीं करोगे तो ये विरासतें रह जाती हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि वकील वो बन सकता है जो ना थके, ना हके, ना बके। थके मीन्स स्टेमिना होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ना बके जो ज़्यादा इरेलीवेंट बातें ना करे, जो गलत बातें ना करे। तो हर चीज़ हमें मेहनत संभल के करनी चाहिए, लेकिन मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़रूरी है इसमें। जब शुरू में वकालत करते थे तो दिन में 14-15 घंटे तो चलते थे काम, 4-4.5 घंटे सोते थे। मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जो जवान नए वकील आ रहे हैं वो सब सोएं, 6-6.5 घंटे, 7 घंटे सोएं, आराम करें, पर हमारे अपने कारण थे। 4-4.5 घंटे सोते थे, दिन रात काम करते थे और मेहनत करते रहे। और अगर आप दिल से मेहनत करें तो आपको उसका फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक मूल मंत्र जो कि सिद्धार्थ दूसरा सीनियर लॉयर उन्होंने हमें बताया इस चैनल के जरिए। सर, दूसरा सवाल ये, केसेस के बारे में हर जगह, तमाम जगह आपने कहा है, आपके जीत हार सबके किस्से यहाँ पर सुनाई देते हैं मीडिया में, लेकिन एक जो सवाल है, आप बहुत महंगे लॉयर हैं लेकिन आप बहुत सस्ते भी हैं सर, इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि न्याय प्रणाली की जो संतुलन है वो आपने बनाए रखा है। देखिए, महंगा होना, आदमी दो कारण से महंगा होता है। एक तो कभी कभी हम फीस इसलिए भी बढ़ा देते हैं, जब बढ़ा सकते हैं, जब काम होता है कि थोड़ा काम कम हो जाए, लेकिन महंगा होना एक जगह है, हम अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ सकते। अब मेरी कोशिश रहती है कि महीने में या साल में 30-40% मुकदमे में ऐसे करूं जो निशुल्क हैं, जहाँ मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं, या वो लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अभी हाल में भी किसी ने ईमेल किया था, उनकी कहानी सुन के मुझे लगा कि उनको मदद की ज़रूरत है, फिर मैंने कहा आप अपने वकील साहब के साथ आइए, तो कोशिश है उनकी मदद कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारे प्रोफेशन में हमें बहुत कुछ मिल सकता है और मिलता भी है, और अगर हमें मिलता है तो फिर हमें समाज को वापस भी देना है, और अगर हम नहीं देते तो फिर हम अच्छे वकील तो क्या, अच्छे इंसान नहीं है। इसलिए वकील को और हर इंसान को समाज को वापस, जिसे कहते हैं ना, पे बैक करना पड़ता है। और जब तक आप नहीं देंगे, क्यों, समाज में हम ही तो हैं और कौन है, अगर हम नहीं करेंगे तो समाज कैसे बढ़ेगी आगे। तो लूथरा साहब ना सिर्फ एक अच्छे लॉयर हैं, एक बेमिसाल शख्सियत के भी मालिक है। यही कारण है कि भले ही कांग्रेस सरकार में एसजी रहे हो, लेकिन बीजेपी ने भी इन पर भरोसा जताने की जब बारी आई तो पीछे नहीं हटे। सर, अगला सवाल, एक नाम लगातार हर इंटरव्यू में आपके मुंह से निकलता है, वो है केतकी, आपकी जीवन संगिनी। सर, इस सफर के बारे में बताएं। केतकी और मेरी मुलाकात हुई थी लॉ कॉलेज में, हम एक ही बैच में थे और साथ ही मुलाकात हुई, और मेरा मानना है कि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, वकालत में भी सिखाया, बहुत टैलेंटेड हैं। और केतकी
और मैं अब हमें 30 साल हो गए शादी किए, 30 साल हमारी 30वीं सालगिरह थी। तो एक ज़माना था जब हम दोनों 4-4.5 घंटे सोते थे, 5 घंटे सोते थे, रात को 1 बजे सोना, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों को भी वो संभालती थी, फिर हम भी मैनेज करते थे। तो एक तो ये चीज़ है, तो किसी तरह काम चलता रहा और ईश्वर की कृपा से अच्छा चला। एक स्टेज तक वो अपना काम कर, किसी के यहाँ काम कर रही थी, एक सीनियर एडवोकेट के एक फर्म में। उसके बाद 1998 में उन्होंने अपना काम शुरू किया, और उस समय मेरी भी नई नई प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट शुरू हुई थी। मेरे फादर गुजर गए थे 1997 में, तो उस समय हमने काम काफ़ी हद तक साथ किया और मैंने उनसे बहुत सीखा। उन्होंने मुझे प्रोफेशनली, पर्सनली तो दिया ही दिया, प्रोफेशनली बहुत साथ दिया। और अभी भी कई बारी मैं उनसे आइडियाज़ बाउंस करता हूँ। 2013-14 में उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो कोर्ट नहीं जाएंगी, हर आदमी की अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि, और आपने रिस्पेक्ट किया उस चॉइस को? नहीं, मैं पहले तो बहुत दुखी था दुखी इसलिए था क्योंकि मुझे मानना है कि केतकी बहुत टैलेंटेड है और उनकी डेप्थ भी बहुत है और टैलेंटेड बहुत है, इसलिए मुझे लगा कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। अगर करती रहती वकालत तो हो सकता है कहाँ पहुँच जाती, पर अब तो मैं, अब 10 साल हो गए, अब तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो अब मैं मान चुका हूँ और बस यही है कि मैं, मतलब मेरा तो ये भी रहा कि जब मैं लॉ ऑफिसर भी रहा, कभी भी कमर्शियल मैटर्स में, टेक्निकल कई मैटर्स में, तो केतकी ने हेल्प किया, केतकी ने सारा काम ही किया है। सर तारीफ तो बहुत सुनी सर। आर्ग्यूमेंट्स आप करते हैं कोर्ट के अंदर, घर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? देखिए हर घर में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होना कोई अननेचुरल चीज नहीं है, लेकिन एक दूसरे की बात समझना, उसको एक दूसरे को इज्जत देना, बिल्कुल, और अगर झगड़ा भी हो जाए तो उसके बाद मेकअप करना, वो भी बहुत जरूरी है। वो शायद आप पहले करते होंगे हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेजेस आती हैं, लेकिन ये दोनों ही देखिए अगर दोनों शख्स अगर साथ कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में ना रहें तो घर नहीं बनते। तो हर आदमी को कोशिश करनी पड़ती है कि कई बारी ज़रूर ऐसा होता है कि मुझे लगेगा कि मेरी गलती नहीं है या उनको लगता है उनकी गलती नहीं है, और होता भी है, पर आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है। और ज़िंदगी में, पर्सनल और प्रोफेशनल में, जो आदमी आगे की तरफ नहीं देखेगा वो कहीं ना कहीं स्थगित वहीं रुक जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर जहाँ जहाँ उन्होंने मुझे साथ दिया, हर तरीके के साथ दिया और अभी भी देती आ रही हैं, और अगर मैंने तरक्की की तो मेरा मानना है कि 50-75 ये नंबर्स नहीं लगा सकते, बहुत हद तक उनके साथ, उनकी सपोर्ट के साथ ही हुआ है। सर हार्डवर्क की आपने बात करी, आपने अपने जीवन संगिनी की बात करी, इतना काम आप करते हैं सर लगातार, आप जहाँ से गुजरते हैं लोग आपको देखते हैं कि हम काश ऐसे बन जाएं, लेकिन ये आपकी जो पर्सनल चॉइस की बात करें, आपकी हॉबीज की बात करें, पर्सनल लाइफ, कितना समय आप परिवार को दे पाते हैं और कितना अपने पर्सनल लाइफ? मेरे लिए फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जितना अपने बच्चों को वक्त दो, फैमिली को वक्त दो, वाइफ को वक्त दो, पेरेंट्स को दो, बहनों भाइयों को दो, सालों को, साला साली को दो, कम है। तो वकालत ठीक है, तरक्की एक तरीके है, नाम और शोहरत एक जगह है, पर जब तक आप अपने परिवार को, अपने मित्रों को समय नहीं दोगे तो आप पूरे इंसान, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं हो, पूरे इंसान नहीं हो। मेरी तो कोशिश यही रही है कि साल में जब मेरी मदर जिंदा थी तो 3-4 बारी तो हम उनके साथ छुट्टी पे जाते थे, या मेरी मदर उनके साथ जाते थे और जाते हैं। और मेरा मानना है, मैं एकदम फैमिली मैन हूँ, तो इसलिए फैमिली मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। मैं बच्चों के साथ भी समय बिताना चाहता हूँ। जब बहुत काम भी होता था केतकी पास, मेरे पास, तो केतकी की सुबह की शेड्यूल थी, मैं कई बार ही कहता था थोड़ा और सोलो कर लो, तो उस सुबह बच्चों को स्कूल बस पे छोड़ने जाती थी और वहीं उनके साथ समय बिताती थी कि वो भी टाइम उनको मिल जाए, जब वेट कर रहे हैं, अखबार पढ़ें, बातें करें। और मेरी कोशिश ये होती थी कि जब छुट्टियों पे हम लोग जाएं,
उस समय सब लोगों को बच्चों से ब्रेक मिलती थी, मैं कहता था कि 24 घंटे मैं ही बच्चों को देखना चाहूँगा, उनके साथ टाइम बिताऊँगा। इसलिए हमारे दो बेटे हैं मेरे, मेरा एक भांजा है, दो भांजे हैं, एक भांजी है, उनसे भी उतना ही लगाव है, वो भी हमारे बच्चों की तरह। तो परिवार, जहाँ संगठित परिवार टूटते जा रहे हैं, ऐसे में सबको साथ लेकर चल रहे हैं सिद्धार्थ लोथरा जी। सर एक सवाल और, हमेशा सबको विरासत में नाम और पैसा दौलत ये नहीं मिलती, कई लोग जो छोटे शहरों में रह रहे हैं और वकालत का सपना देखते हैं, आपको देखते हैं सर, दिल्ली का सफ़र उनके लिए कितना मुश्किल भरा है और उनको वकालत की ये जो दुनिया है, जो शुरुआती दुनिया है, उसमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक दिन वो भी सिद्धार्थ लूथरा के पैरेलल आकर खड़े हो सकते हैं, अगर तो क्या करना चाहिए? मेहनत करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ जिससे आगे बढ़ना कोई बहुत मुश्किल है। मुझे देखिए, हमारे एक प्रोफेशन में एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, ट्रायल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि वहीं केस की फाउंडेशन बनती है। जब तक वो नहीं बनेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारे देश में, और मैं कई बार हैरान होता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, अब ये करीबन 30-40 साल से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की ज़्यादा मानियत है, क्यों? ये हमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी मुकदमे की फाउंडेशन नहीं बनती तो वो मुकदमा कभी आगे जाके मुकदमे में एक या दूसरी साइड तकलीफ में आएगी। रह गई ये बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, अगर आप नेशनल लॉ स्कूल्स में देखें, अच्छे अच्छे लॉ कॉलेजेस में देखें, वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियाँ आ रही हैं जो जिनका कोई कानून में बैकग्राउंड नहीं है और जो बहुत तरक्की कर चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ मेरे साथ दो वकील हैं, तीन, एक तो अब जज बन गए हाई कोर्ट के, तीन वकील थे, पुराने जूनियर हैं, एक डॉक्टर के बेटे हैं, एक बिहार में छोटी जगह के नरकटियागंज में टीचर के बेटे थे, जमींदारी थी उनकी, वहाँ से आए दिल्ली पढ़े, किसी ने मुझे भेजा, आज वो भी सीनियर एडवोकेट है, तरक्की कर रहे हैं। और तीसरे एक पुलिस अफसर के बेटे थे, वो भी तरक्की करके अब जज बन गए। और कई बच्चियाँ हैं जो पहली जनरेशन के वकील हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विरासत तो एक जगह है, पर अगर आपको अच्छा दफ्तर मिल जाए जहाँ आपके जो सीनियर हैं वो आपको ट्रेनिंग दें और आपको वकालत ही नहीं, आपको पूरी तरह से ग्रूम किया जाए, अगर पूरी तरह से आपकी ट्रेनिंग मिलेगी तो आप बढ़ेंगे, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। पर इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग जो प्रोफेशन में अब सीनियर होते जा रहे हैं और जैसे होते रहे हैं, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि हम अगली पुश्त को ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो फिर हम गलत कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हर प्रोफेशन में ये है कि कई बार लोग बहुत तरक्की करते हैं तो उनको लगता है कि भी देखिए पहले मेरे बच्चे बढ़े, कोई और क्यों बढ़े, या मेरा परिवार बढ़े, कोई और क्यों बढ़े। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ कि इतना काम है और इतनी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी में टैलेंट है तो उसको क्यों ना बढ़ाया जाए। क्योंकि एक और चीज़ जो मेरे फादर भी कहते थे कि अगर आज के दिन में मैंने अच्छा किया है तो मेरे जाने के बाद मुझे याद किया जाएगा, ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा वकील था या ठीक वकील था, पर इससे जाना पहचाना जाएगा जो लोग मेरे चेंबर से निकले हैं और जिन्होंने तरक्की की कि देखिए साहब वो उस चेंबर से आए हैं और देखिए कितने आगे बढ़ गए बच्चे। तो इसलिए विरासत यही है जो आप प्रोफेशन को वापस देते हो। इसीलिए हमने अपने फादर की मेमोरी में अभी 20 साल होने को आ गए 2005 में एक मूट कोर्ट शुरू किया था, अब इंटरनेशनल मूट कोर्ट है, जहां हम चाहते हैं कि बच्चे आए, अलग भारत से भी आते हैं, बाहर अलग देशों से भी आते हैं, मूट कोर्ट में आते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं और तरक्की करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सर स्कूल की बात करते हैं आपके, कभी स्कूल दोबारा जाना हुआ DPS? बहुत जाना हुआ, स्कूल में बहुत जाता हूँ और बहुत खुशी से जाता हूँ। अभी 10 तारीख को हमारे घर पे हम डिनर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तीन मित्र जो स्कूल में हमारे साथ थे वो आएंगे, हमारे साथ समय बिताएंगे
और करीबन 50 लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये लोग अब सब कोई इंग्लैंड में है, कोई यूएसए में, कोइंसिडेंटली है कि दिवाली के बाद आ रहे हैं तो इसलिए वो और उनके परिवार आ रहे हैं और शाम अच्छी बीतेगी। पुराने दोस्त हैं, आप सोच लीजिएगा 1984 में स्कूल से निकले थे, तो पुराने दोस्तों के साथ मज़ा ही और होता है। सर, रिश्तों की बड़ी खुलकर आपने बातें करी, आपने अपने परिवार, न सिर्फ अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों सबके साथ मिलकर जो आप अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। सर, पिता के बारे में आपने कई चीज़ें बताई, आपने उनसे जो मूल मंत्र लिया जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये भी आपने हमसे साझा किया, लेकिन आपकी माता जी जिनके बारे में आप हमें बता रहे हैं, आप अपनी माता जी को आज याद करते हैं, आप उनको सोचते हैं, तो एक पिता और एक माता और एक पुत्र का जो रिश्ता आप दोनों के बीच था, उसको आप बयां कैसे करेंगे? तो मेरी माता जी ने मुझे बहुत सिखाया, प्रोफेसर थी, टीचर थी, उर्दू अच्छी बोलती थी, नहीं मेरे फादर उर्दू अच्छी बोलते थे, मेरी मदर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी बोलती थी, टीचर रही दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रीमेच्योरली रिटायरमेंट लेके के बच्चे पालने थे मेरे फादर, हम लोग रिफ्यूजी फैमिली थे तो रिसोर्सेज कम थी, फादर वकालत कर रहे थे, उस टाइम वकालत कोई बहुत चॉइस का प्रोफेशन नहीं था, पर मेरे फादर चाहते थे वकालत करें, सर्विसेज में नहीं गए। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी 1997 में, मेरी मदर के कमरे में बैठे हैं, सामने उनकी फ़ोटो लगी हुई है और ये मेरी उनकी लेटर डेज की बहुत फेवरेट फ़ोटो है, क्योंकि उस दिन हम बहुत खुश थे, 30 दिसंबर 2018 की बात है, 30 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर, हम बिताते थे हर साल कहीं राजस्थान में या कहीं गर्म जगह पे। तो 1997 से 2020 तक हमारी मेरी मदर मेरे साथ रही, मैं ही उनके साथ रहा, और कई मेरे फादर की जो पर्सनैलिटी थी ना, वो बहुत डोमिनेंट सी पर्सनैलिटी, आप समझ लीजिए, बुरी तरह से नहीं मैं कह रहा हूँ, बट मेरे फादर लार्जर देन लाइफ थे और मेरी मदर जो थी वो बहुत शांत थी, शिक्षिका थी, बहुत शांत थी, लेकिन जो भी उनके पास आता था वो उनको ठंडक और प्यार देती थी, और उनके प्यार में प्यार उनका दिल बहुत बड़ा था, वो हर आदमी को अपने साथ अपने आप अपने पास अपना ले ली थी, छोटा हो बड़ा हो हर आदमी उनके पास आता था, मेरे जो कई मित्र हैं हमारे जानने वाले हैं वो उनके पास आ जाते थे मिलने के लिए, कि दिवाली पे हम आपको नहीं मिलने आ रहे, हम आंटी को मिलने आ रहे, पुराने जूनियर्स है कि जी हम आंटी के पास आते हैं, क्योंकि सर जब आप काम करते थे हम आपके साथ काम करते थे, आप ज़रा बिजी होते तो आंटी हमें चाय पिलाती हैं, कुछ खिला देती हैं, तो ऐसा प्यार था उनकी ज़िंदगी में, जो लोग होते हैं ना देते हैं लोगों को, उनकी ये नेचर रही शुरू से रही, और हमारे परिवार में भी, और आप सबसे छोटे थे तो आप सबसे प्रिय रहे होंगे। नहीं, सबसे प्रिय तो मेरी बीच वाली बहन है, मैं कई बार गीता जी, और कई बार हमारा मजाक चलता था मेरी बड़ी बहन और मम्मी का कि मम्मी देखो आप तो उन्हीं को प्यार करती हैं, हमें नहीं करती हैं, और वो कहती है बच्चे अब छोड़ना ये बात मत किया कर, ऐसे कैसे सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, अरे हम कहते हैं लेकिन देखिए सारे बच्चे बराबर तो होते हैं, वो ज्यादा स्पेशल है आपके लिए। तो मेरा मानना है कि हर बच्चे को माँ प्यार करती है, मेरी मदर ने हर आदमी को प्यार किया, बच्चों के आगे भी बहुत प्यार दिया, और मेरे जो कठिन वक्त आए फादर की डेथ के बाद, कई बारी प्रोफेशनली कठिन वक्त आए, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया बुझाया, सपोर्ट दी, और मेरा एक इंसिडेंट याद आता है, ये सन 2000 या 2001 की बात है, तहलका कमीशन के दौरान मुझे अगले दिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब को क्रॉस एग्जामिन करना था, नया सा वकील था, 10-11 साल की वकालत थी मेरी, 10 साल की वकालत थी, तो मैं रात को बहुत परेशान था, क्योंकि फर्नांडिस साहब और मेरे फादर की मित्रता 40-45 साल पुरानी थी, और मैं नया वकील और इतनी बड़ी शख्सियत, डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, तो मैं रात को परेशान था, तो मैं साथ वाले कमरे में ड्राइंग रूम में परेशान था, कागज़ लेके बैठा था, नींद आ नहीं रही थी, और ये भी थी टेंशन कि कल कैसे होगा। तो मेरी माता जी उठी, उन्हें देखा रोशनी आ गई मेरे पर बैठी है, क्या बात है? मैं कह मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा, इनको मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ, फादर के बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं उनकी गोदी पे पला था, वो हमारे घर, जब मेरा बचपन था वो हमारे घर हफ्ते में करीबन 2 बार आ जाते थे खाना खाने के लिए,
फादर के पास बहुत मित्रता थी, तो मैं परेशान था। युद्ध था ये मन में, धर्मयुद्ध था। हाँ। धर्मयुद्ध था और मैं बहुत परेशान था। तो मम्मी ने कहा मुझे कि बेटा एक काम करना, अपनी फादर की इज्जत और उनकी इज्जत लेके चलना, पर काम में कोई कमी नहीं छोड़नी। बताइए। पूरी तरीके से काम करना लेकिन इज्जत से। दूसरी चीज मुझे याद आती कि जब मैं लॉ ऑफिसर बना तो सोलह मई को सरकार बदली और शाम का वक्त था, आई थिंक। हाँ, शाम 16 मई को सरकार बदली, तो हमें रिजाइन करना ही था। तो मैंने रेजिग्नेशन जब दे दी तो मुझे मैसेज आए, नहीं हाँ मंडे को रेजिग्नेशन दी, तो मंडे को 20 को दी हमने, और मंडे को घर से मैसेज फ़ोन आया मेरी सेक्रेटरी का कि मुझे कहीं जाना था कि मम्मी आ रही हैं। तो मदर आई, केतकी आई और सबके लिए मिठाई लाई। तो मैंने कहा क्या हो गया मम्मी, मेरा तो मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, आप मिठाई बांट रहे हो। तो उन्होंने कहा बेटा 2 साल इज्जत से काम चल गया है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, जिन जिन स्टाफ ने तेरा साथ दिया है उनको मैं कुछ देना चाहती हूँ। तो ये मेरी मदर थी। तो ऐसे ही माता के पुत्र आप रहे और आपकी जो माता जी हैं उन्होंने जितनी कामयाबी, जितनी तरक्की अपने पति की देखी, उतनी ही अपने बेटे की भी देखी, और एक जो एक संपूर्ण जीवन उनका उन्होंने जिया वह भी आपने हमसे साझा किया। सर, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।